Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव आप सभी का स्वागत करते हैं न्यूज लाइव में। दोस्तों, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के बाहुबलियों पर योगी सरकार के आने के बाद लगातार शिकंजा कस रहा है, उस कड़ी में बाहुबली मुख्तार अंसारी का परिवार भी अब नहीं छूट पा रहा है। मुख्तार अंसारी खुद बांदा जेल में बंद है और उन पर कई सारे मामलों में आरोपी भी घोषित कर दिया गया है। तो वहीं उनके बड़े बेटे जो मऊ सदर विधानसभा सीट से विधायक हैं, उनके बेटे को ईडी अपने गिरफ्त में ली हुई है और ईडी गिरफ्त में लेने के बाद लगातार पूछताछ कर रही है, जिसके बाद तमाम तरीके के चौंकाने वाले कहीं ना कहीं खुलासे सामने आ रहे हैं। इसके बाद मुख्तार अंसारी के परिवार के साथ उनके गुर्गे के भी मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही। इस कड़ी में मुख्तार अंसारी की पत्नी को लेकर एक चौंकाने वाली खबर आ गई है। पूरा मामला क्या है, चलिए जान लेते हैं। बात करें तो गाजीपुर की नंदगंज पुलिस ने बुधवार को नगर कोतवाली के सैयदबड़ा में मुख्तार अंसारी की पत्नी अफनसा अंसारी को बयान के लिए 91 सीआरपीसी एवं 41 एसीआरपीसी की नोटिस चस्पा कर दी है। साथ ही टीम ने बताया है कि अफसा द्वारा उच्च न्यायालय के आदेशों का पालन नहीं किया गया है। एसपी सिटी गोपीनाथ सोनी ने बताया कि फतेहुद्दाल स्थित ताल की भूमि पर अवैध तरीके से बने गोदाम एवं सड़क जाने के मामले में बीते वर्ष मुख्तार अंसारी की पत्नी अफनसा अंसारी सहित 5 के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था और इस मामले में 4 लोग हाजिर हो चुके हैं, जबकि अफनसा अंसारी द्वारा इस मामले में उच्च न्यायालय में रिट दाखिल किया गया है। इसमें हाई कोर्ट का आदेश था कि उनकी गिरफ्तारी न हो और विवेचना में पूरा सहयोग करें। थाना अध्यक्ष महेंद्र सिंह ने बताया कि अफनसा अंसारी द्वारा उच्च न्यायालय के आदेश का पालन नहीं किया जा रहा है। इस संबंध में बयान के लिए सैयदबड़ा स्थित आवास पर नोटिस चस्पा भी की गई है। इस संबंध में उच्च न्यायालय को अवगत कराते हुए नियमानुसार विधिक कार्रवाई भी की जाएगी। 3 मामलों में मुख्तार की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पेशी भी है। मऊ जिले में बुधवार को सदर विधानसभा के पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी की 3 अलग अलग मामलों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से कोर्ट में पेशी हुई। इस दौरान नस्लहा प्रकरण से भी वादी मुकदमा निरीक्षक बिहार लंदन और गैंगस्टर एक्ट के मामले में निरीक्षक वीआईपी का साक्षी भी हुआ। वहीं विधायक निधि के मामले में निरीक्षक राम सिंह साक्षी के लिए कोर्ट में उपस्थित नहीं हुए। एसडीएम एमपीएमएलए श्वेता तिवारी नस्लहा प्रकरण साक्षी के लिए 30 नवंबर और विधिक निदान के मामले में 28 नवंबर की तिथि तय की है। वहीं गैंगस्टर एक्ट के मामले में विशेष न्यायाधीश एमपीएमएलए चौरसिया ने 23 नवंबर की निधि जो है वो कहीं ना कहीं तय की है। लेकिन जिस तरीके से मुख्तार अंसारी की पत्नी अफनसा अंसारी के खिलाफ नोटिस चस्पा किया गया है, जो हाईकोर्ट है उसके निर्देशों का अवहेलना के मामले में, इसको लेकर अब उनकी पत्नी की भी मुश्किलें बढ़ने वाली है। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।